हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। ये टू वे स्विच के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आज हम टू वे स्विच के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है? टू वे स्विच के बारे में, एक लाइट को दो जगह से कैसे हम वायरिंग करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, टू वे वायरिंग, ठीक है? कोई भी लैंप है तो हमको अगर दो जगह से ऑपरेट करना है तो कैसे चालू करेंगे, बंद करेंगे, उसके बारे में पूरा आपको बताऊँगा, ठीक है? ये मान लीजिए कि हमारा इधर एक स्विच है, मैं इधर एक स्विच बना रहा हूँ आपको। एक स्विच, टू वे स्विच का तीन पॉइंट रहता ना, ये तीन पॉइंट में बना दिया, एक स्विच हो गया, ठीक है? और इधर आपका दूसरा स्विच हो गया। टू वे स्विच में थ्री पॉइंट रहता है, ठीक है? ये तीन पॉइंट, एक दो तीन है, एक दो तीन। स्विच वन है, स्विच टू है, ठीक है? स्विच वन हो गया, स्विच टू हो गया। अभी हम इसका वायरिंग करके बनाते हैं। और एक इधर हम एक लैंप बना के देते हैं, एक लैंप हो गया, एक बल्ब हो गया, ठीक है? अभी हम इधर से दो सप्लाई लेंगे, ठीक है? एक फेस लेंगे और एक न्यूट्रल लेंगे, ठीक है? अब ये कनेक्शन कैसा करेंगे मैं आपको पूरा बताता हूँ, ठीक है? आप पूरा वीडियो देखिए। अभी मान लीजिए अभी हमारा एक जो लैंप है ना, वो बल्ब हमारा एक बेडरूम में एक ही बल्ब है, हमको दो जगह से चालू बंद करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए अब एक डोर के पास स्विच रखते हैं और जहाँ हम लोग सोते हैं वो बेड के पास एक स्विच चाहिए। तो मान लीजिए बेड हम लोग बेडरूम में एंट्री करेंगे तो वो बेडरूम में लाइट चालू कर दिए, और फिर बेड अपना बेड के पास जाएंगे तो उधर से हम लोग चालू बंद कर सकते हैं, चाहिए तो चालू करें, चाहिए तो बंद कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसका वायरिंग पूरा बताता हूँ। ये हमारा फेस जो है, ये फेस हमारा ये स्विच का सेंटर में जाएगा, सेंटर का पिन में जाएगा, स्विच है स्विच का सेंटर में जाएगा, ठीक है? और ये जो पॉइंट है ना, इधर से एक वायर हम इसका पॉइंट भेज देंगे, और ये जो पॉइंट है ये स्विच का दूसरे स्विच का इधर पॉइंट में जाएगा, ठीक है? ये हमारा फेस इधर आ गया, और ये दूसरे ये स्विच का दूसरा पॉइंट में इधर पॉइंट में चला गया, और ये स्विच का पॉइंट ये स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। ये वायर हमारा कनेक्ट, सबसे मान लीजिए ये वायर है हमारा, ये वायर है, ठीक है? और ये जो इसका जो सेंटर का है ना पिन, तो पिन से हम ये लैंप है ना, वो लैंप का वायर, एक वायर आप इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है? ये फेस का हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब ये न्यूट्रल है हमारा, तो न्यूट्रल का वायर हम इधर से लेंगे, ठीक है? और हमें सीधा एक न्यूट्रल इसके साथ दे देंगे, ठीक है? तो हमारा ये न्यूट्रल हो गया, और ये हमारा फेस, ठीक है? ये स्विच हमारा वन हो गया, ये टू वे स्विच है, टू वे स्विच वन हो गया, और ये टू वे स्विच टू हो गया, ठीक है? अभी हम लोग इसको किधर यूज कर सकते हैं? मान लीजिए हम बेडरूम में हैं, हमारा घर का बेडरूम है, बेडरूम के एक मेन डोर के पास हम एक स्विच रखेंगे। मान लीजिए एक स्विच हमें मेन डोर के पास रख लिया, और दूसरा स्विच जिधर हमारा बेड है, पलंग है, उसके पास एक स्विच रखते हैं, और एक लाइट है, हमको घर में एंट्री करने के टाइम इसको इस क्षेत्र चालू कर देंगे तो ये लाइट चालू हो जाएगा। और मान लीजिए हम सोने के टाइम में फिर उधर से बंद करने के लिए आपको गेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप उधर से ये दूसरा बेडरूम के पास लगा देंगे ना, जहाँ पे आपका खटिया है, बेड है, पलंग है, जो भी है, उधर से एक स्विच लगा देंगे तो वहाँ से आप ये स्विच के थ्रू बंद कर सकते हैं इस लाइट को, ठीक है? तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ये वीडियो, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक लाइट को और एक फैन को, फैन है, लाइट है, जो भी है, उसको तीन जगह से, चार जगह से, पांच जगह से कैसे ऑपरेट करते हैं एक ही लाइट को,
हम पूरा वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू, वायरिंग के थ्रू पूरा बता दूँगा। ये हमारा सपोज मान लीजिए एक फेस न्यूट्रल 230 सप्लाई है, 230 वोल्ट का सप्लाई है, हम फेस पर सीधा सिंपल इसमें लिए, एक स्विच है, स्विच का हमारा 3 पिन है, 1 2 3 पिन है, इसका सेंटर में हम फेस दे दिया, ठीक है, और इसका ऊपर का पिन से इसका ऊपर का पिन में जॉइंट कर देंगे वायर, और नीचे का पिन से नीचे के पिन में वायर, और सेंटर का पिन से सीधा ये लैंप का, एक 2 पॉइंट रहता ना, ये 2 पॉइंट में से एक पॉइंट में फेस दे देंगे, और न्यूट्रल इधर से डायरेक्ट ला के इधर दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2-way कनेक्शन हो गया। अब हम एक लाइट को 2 जगह से आराम से कनेक्शन कर सकते हैं, एक लैंप को 2 जगह से चालू बंद आराम से कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपको एक लैंप को 3 जगह से 4 जगह से कैसे चालू बंद कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छी पसंद आएगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।